हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे पीपीपी। ये पीपीपी क्या है? जैसे एनआरसी है, नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उससे भी ऊपर ये बनाने जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। अभी एनआरसी को लेके कितना बवाल हुआ था, कितने लोगों ने सुसाइड भी किया था। असम में ऐसे लोग थे जो एनआरसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर पाए और सुसाइड कर लिया। तो जो भी हो, एनआरसी में भी झोल हो सकता है। जैसे किसी ने 500 रुपया खर्चा करके एक पैन कार्ड बना लिया, उसके बेसिस पे आधार कार्ड बना लिया, वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम भी हो सकता है। लेकिन अभी ये बात यहाँ पे अटक जाती है जब आपके परिवार का एक नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन कोड या नंबर आपके पास रहेंगे। आप चाहे कितने भी दूसरी तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बनवा लीजिए, नेशनल रजिस्ट्रेशन में नाम दर्ज कर लीजिए, लेकिन आपके पास अगर परिवार का ये आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा तो आपको भारत के किसी भी परिवार के अंश नहीं चुना जाएगा, तो आप फॉरेनर माना जाएंगे। अगर आप भारत में हैं, इंडिया में हैं, आपका परिवार सदियों से यहाँ है, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर तो आ ही जाएगा। यह योजना पहले लागू किया है हरियाणा सरकार ने। एक वेबसाइट है www.meraparivar.haryana.gov.in, यहाँ पे पूरा ब्यौरा मिलेगा। हरियाणा पीपीपी 2021 इसी के आधार पे है। तो हरियाणा ने ये जो किया है, सरकार ने हरियाणा में पहले 2020 में एक यूनिक डेटा निकाला। किस किस के डेटा? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका परिवार का पहचान हो गया। ये परिवार पहचान बिल, ये हरियाणा परिवार पहचान बिल अभी पास होने को है। तो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिंक हो जाएगा आपके सिविल आधार नंबर से। आपके पास जो आधार नंबर है उससे लिंक्ड हो जाएगा। और एक परिवार के कितने भी बच्चे हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि परिवार का एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसी नंबर के हिसाब से वो अलग अलग बच्चे भी अपना सब कुछ काम करवा सकेंगे। किसी को जनधन के आधार पे गैस की सब्सिडी लेने हो, किसी को कोई भी कारण से कोई भी, और जो फास्ट ट्रैक बना के जो सरकार ने अच्छा किया टोल गेट में, ये टैक्स देते वक्त फास्ट ट्रैक जो बना दिया है, वहाँ से पता चल जाता है कौन सी गाड़ी कहाँ मूव कर रही है। ऐसे ही कोई गलत काम भी इतनी आसानी से अभी इंडिया में नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉरेन में होते हैं, फॉरेनर्स लोग कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि हर जगह वो ट्रैक होते हैं। तो यही है बात अभी CAA को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, ये सब भी काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि NRC से भी ऊपर है ये, NRC से भी ऊपर PPP है। PPP में PPP एक्चुअली फुल फॉर्म है परिवार पहचान पत्र। ये PPP जो आ जाएंगे तो कोई भी आदमी को छुटकारा नहीं मिलेगा। कि जितने भी आधार कार्ड बना लो, जितने भी पैन कार्ड बना लो, जितने भी आइडेंटिफिकेशन वो खुद का डुप्लीकेट कर लो, उनको आसानी से पकड़ा जाएंगे वो। तो पहले क्या हुआ था, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए लंबी लाइन होती थी या बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे कोर्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो DM पे जाके बिलो 5000 रुपीज़ हो तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और जो 5000 के ऊपर हो तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न में जाना पड़ता है, वहाँ आपको एक केस दर्ज करना पड़ता है, वो केस के हियरिंग चलती है, कभी 2-2 साल लग जाता है एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। अभी वो भी आसान हो गया है,
क्योंकि एक परिवार का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और उसी नंबर के हिसाब से उसके सक्सेसर्स आएंगे। इस परिवार का कौन कौन हिस्सा है, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए भी इतनी दिक्कत अभी नहीं होगी। तो ये सब करके बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया है देश के लिए। और जो फॉरेनर है, फॉरेनर अभी मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास NRC भी हो सकता है, झूठे दस्तावेज़ दे के सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो परिवार की बात आ गई है, उनके परिवार ही अगर इंडिया में नहीं है तो उसको परिवार आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ से मिल जाएगा। तो यही इसी को लेके बहुत दिक्कत आन पड़ी है फॉरेनर्स के लिए जो इलीगल है, जो घुसपैठिया है। तो इसी हिसाब से ये बिल तो आने दीजिए, पहले हरियाणा में आ रही है, उसके बाद पूरा भारत में होगा। तो हमको एक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएंगे हमारे परिवार के लिए भी। जैसे मेरा नाम अभी तक NRC में नहीं है क्योंकि मैंने जो वोटर लिस्ट है वहाँ मेरे पिताजी का नाम नहीं था। 2005 तक तो नाम था, बाकी उसके बाद हमारे नाम हटा के कहाँ बांग्लादेशियों का नाम घुसा दिया पता नहीं, हमारा नाम वहाँ से डिलीट कर दिया गया है हमारे परिवार के नाम। तो पिताजी का नाम नहीं है तो मुझे NRC कहाँ से मिलेगा। तो मैंने NRC में ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किया क्योंकि मैं बाहर ही रह रही हूँ। तो आसाम में देखा है ये लोग वोटिंग के टाइम पे नहीं है, उसका हटा दो, किसी बांग्लादेशियों का नाम घुसा दिया होगा। ये सभी होता आ रहा है सदियों से। नहीं तो अब इतने सारे बांग्लादेशियों स्पेशली आसाम में कहाँ से घुस गए, कहाँ उनका जो वो लोग लाभ उठा रहे हैं, हमको सरकारी लाभ नहीं मिलता है कोई, वो लोग उठा रहा है। अभी जो परिवार पहचान पत्र आ जाएंगे सारे देश में होगा, जल्दी ही होगा, अच्छा होगा। तो इसके बाद कोई फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट कुछ लेके पर। और एक है, NRC में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऐसा भी एक उपाय है कि आपके आसपास आस पड़ोस के लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे सरपंच हुआ, ऐसे कुछ हो गया तो वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ फलाना फलाना जगह पे यह आदमी 20 साल से रह रहा था। अभी हमारे आसाम के आंदोलन हुआ था, आंदोलन ख़त्म जब हुए 1985 तक, वहाँ 79 से ज़ोरदार से चल रहे थे आंदोलन। इसी दौरान कई लोग ऑलरेडी आसाम के परमानेंट रेसिडेंट बन गए हैं। तो बाकी 71 से जो NRC का प्रावधान रखा था वो भी फेल हो गया। और उसी को अगर कोई पहचानने को बोलेंगे तो बोलेंगे ये आदमी तो सदियों से यहाँ रह रहा है, तो उसी के हिसाब से NRC भी बन जाएगा। NRC का एक ये प्रावधान है। लेकिन अभी जो PPP आ जाएगा, PPP आने से क्या होगा, उस पर वो आदमी जो हमारे यहाँ आके घुसपैठ करके सदियों से यहाँ रह रहे हैं आसाम में, तो ये आदमी अगर फेक डॉक्यूमेंट्स भी देंगे, NRC भी दे देंगे, नाम दिखा देंगे, जैसे मेरा नाम, हमारे परिवार का नाम हटा के, पिताजी का नाम हटा के वहाँ पे कोई बांग्लादेशियों का नाम दे दिया है, तो ऐसे भी करेंगे तो पकड़ा जाएंगे क्योंकि उसका परिवार यहाँ के नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है। भूमिपुत्र बोल के नहीं है, वो बहुत एंसेस्टर्स बहुत आगे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, सॉरी। तो यही हो गया, अभी परिवार पहचान पत्र आने से सब साफ हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा किया है बीजेपी सरकार ने। जय हिंद।